5 राज्यों में चुनाव, जिसमें से 3 में भाजपा का कमल खिला तो कांग्रेस के हाथ में सिर्फ तेलंगाना है। लेकिन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंस हाथ पर हाथ धरे रह गया। लेकिन इस करारी हार के बाद हौसला ना टूटे, मनोबल कम ना हो, इसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बुधवार को होने जा रही थी। लेकिन एक और झटका लगा कि बैठक टल गई। वजह क्या है? आपसी नाराजगी या गठबंधन अपने आप से नाखुश नजर आ रहा है, या किसी को न्योता ही नहीं दिया गया? समझ तो आप वैसे गए ही होंगे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूं आखिर पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बुधवार को होने वाली बैठक टल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को ये बैठक बुलाई थी, जिसमें बुधवार को ये बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग वजहों के चलते बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई थी। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि सभी पार्टियों से बात करके 1-2 हफ्ते में फिर से बैठक की नई डेट तय की जाएगी। लेकिन विपक्षी दल के नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में चुनाव का हवाला देकर इसे टाल दिया था। रविवार को 4 राज्यों में आए नतीजों के बीच खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी। 4 राज्यों में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे हार का सामना करना पड़ा। पर सवाल ये है कि 4 नेताओं की बैठक में आने से आखिर इनकार की वजह क्या कुछ हो सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विपक्षी दलों के नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नीतीश की जगह जदयू की ओर से ललन सिंह और संजय झा, तो अखिलेश की जगह सपा से राम गोपाल यादव के बैठक में शामिल होने की संभावनाएं जताई गई थी। कांग्रेस का कहना है कि एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अपनी अपनी वजहों से मीटिंग में शामिल होने से असमर्थता जताई थी। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट बंद है, ऐसे में स्टालिन शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं नजर आ रही है, जबकि ममता कार्यक्रम में व्यस्त नजर आ रही है। ऐसे में बैठक के समय बदलने का फैसला लिया गया है, पर ममता की वजह कुछ और ही निकली है। ममता बनर्जी को बैठक में बुलाया ही नहीं गया है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस बारे में मुझे कॉल कर सूचित किया गया है। उत्तरी बंगाल में मेरे 6 से 7 दिन का कार्यक्रम निश्चित रूप से तय किया गया है। मैंने अन्य योजनाएं भी बनाई हैं। अगर अब वो मुझे बैठक में बुलाते हैं तो मैं अपनी योजनाएं कैसे बदल सकती? तो आप समझ गए होंगे कि वजह क्या है। पर फिर भी सबकी नजर अगली तारीख पर रहने वाली है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अब किन मुद्दों पर रणनीति तैयार होगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।